वोट लगेगा, जंगे लगेगा। जीत किसकी है? विकल्प खड़े साहब की कांग्रेस की है। किसकी सीट होना आपको? आपके लिए लड़ने वाली सीट होना, आपके लिए आवाज उठाने वाली होना। आज आपके बीच में एक तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी हिम्मत, आपकी जरूरत, आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं 10 तारीख को एक तारीख दर्ज होगी और इंशाल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर एक जय आपका एक भाई जीत के आएगा। आपका This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. और मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा शहर के अंदर ये तारीखी प्रोग्राम रहा। रमजान के मुबारक महीने में 90% से ज्यादा लोग यहाँ पर रोजगार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम लोग यहाँ पर इतने मजबूती के साथ एक अजम लेकर के आने वाले दिनों के अंदर गुलबर्गा शहर के अंदर एक नई खयादत को मजबूत, इस इरादे के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह सुबहाना ताला हमारे इन कोशिशों को, हमारी इन काविशों को, रमजान के इस मुबारक महीने में हमारी इस जदोजहद को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करेगा। अब्दुल खदीर साहब और उनके तमाम जिम्मेदारों ने एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम यहाँ पर उन्होंने प्लान किया और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जितनी कोशिश, जितने लोगों को जमा करना, जितने कैंडिडेट को पार्टी में ज्वाइन करना, अपनी तरफ से पहल कर हर एक शख्स को मिलकर उन्होंने बात करके अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम गुलबर्गा शहर के एक तारीख में दर्ज होगा कि इलेक्शन के दरमियान कैंडिडेट का एक रुपए भी खर्च हुए बगैर इतना बड़ा प्रोग्राम होना, मैं समझता हूँ कि सलाम है अब्दुल खदीर साहब जैसे ताजिर को, फयाज साहब जैसे ताजिरों को जो गुलबर्गा शहर के इस तारीख के इलेक्शन के अंदर अपनी एक जो है पहल करके बताए हैं। आज मैं आपके बीच में आपका ये भाई आपसे पूछने आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। आप देख रहे हैं कि गुलबर्गा शहर के अंदर 40 साल से आपने मौका दिया। आज भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में जो गुलबर्गा शहर के अंदर सीट बची है, मगर कभी महसूस नहीं हुआ कि गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर हमारी सीट मौजूद है। क्या मामला हो रहे हैं 5 साल में? एनआरसी का मामला आया, आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुसलसिल तौर पर मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बहनों के लिबास पर आ गए हैं, हमारे हिजाब पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे मस्जिदों तक आ गए हैं, हमारे अजान के मामले में आवाज उठाया जा रहा है, आज हमारी शनाख्त पर आए हैं, ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं, आज मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को निकाला गया। कर्नाटक के अंदर आप देखते हैं कुछ ही दिनों पहले मॉब लिंचिंग किया गया, हमारे भाई पाशा, क्या नाम उनका? इदरीस पाशा, उसको गाय कैसी के नाम पर कत्ल किया जाता है। आज मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत हमारे खिलाफ जो हमने इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे आबा अजदाद ने, हमारे उलमाए कराम ने इस मिट्टी को रंग दिया अपने फूलों से, ऐसा कोई पेड़ मौजूद नहीं था जिस पे हमारे उलमाए कराम ने अपनी जानों को कुर्बानी नहीं दी, फांसी नहीं दी गई। आज हमको पूछा जाता है कि बताओ तुम हिंदुस्तानी हो के नहीं हो, बताओ कि तुम वतन परस्त हो के नहीं हो। वो लोग हमसे पूछते हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपने घर का एक कुत्ते का बच्चा भी कुर्बान नहीं किया। ये आरएसएस के लोग हमसे पूछते हैं
ये बताओ मुसलमानों, तुम देशभक्त हो के नहीं? आज हम कहना चाहते हैं ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान दलितों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मजहब का है। मगर कसम से अगर ये मुल्क किसी का नहीं है तो ये फासिस्ट फिरका परस्त जहन रखने वाले आपका हिंदुस्तान कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल। बाबा साहब अंबेडकर ने जब हिंदुस्तान के दस्तूर को बनाया तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के दस्तूर में वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी द क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया, वी द सिख्स ऑफ इंडिया नहीं कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की शनाख्त दुनिया भर में अगर कोई है तो वो है एक गुलिस्तान के माने। आज इस हिंदुस्तान के इस गुलिस्तान में इस मंच की तरह है। आज सुरेश माधव सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिंगायत भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे कट्टी संग्रामी सबसे पहले आकर बैठ गए, सुगंधी आकर बैठ गए, तमाम दलित भाई हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं। आज हमारे तमाम लोगों के लीडर कौन है? एच डी कुमार स्वामी साहब। उनके साथ का एक वोट भी नहीं है, मगर यहाँ पर जितने लोग हैं कुमार स्वामी साहब को इतने ज्यादा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये फिरका परस्त लोगों ने जब हिजाब के मामले में आवाज उठाई, हिजाब उठाई, तो एक कांग्रेस का लीडर भी अपनी जबान से एक लफ्ज कहने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। कांग्रेस के सदर डी के शिवकुमार साहब कहते हैं कि बात नहीं करना है, सात मुसलमान हैं, मगर हमारी बच्चियों के लिबास पर तू नहीं खोलती। सात मुसलमान हैं, कोई मुंह नहीं खोलते जब अजान का मामला आता है। सात मुस्लिम लीडर एमएलएस हैं, मगर कोई जुर्रत नहीं करते। 4% मुसलमानों के रिजर्वेशन को निकाला गया, ये रिजर्वेशन दिया किसने है? बोलिए किसने दिया है रिजर्वेशन? किसने दिया है? देवेगौड़ा जी ने दिया है, जनता दल सेक्युलर ने दिया है। आज निकाला गया है, आज आपके बीच में एक तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है, एक तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है। झूठ का माहौल गरमाया है, अफवाहें फैलाई जाएंगी। आज लोग हिसाब पूछ रहे हैं, लोग ये नहीं बोलते कि मोहतरमा बहुत अच्छी जिम्मेदार लीडर है, मोहतरमा काबिल है, मोहतरमा असेंबली ने ऐसा किया वैसा किया, औरतों के तान से बात किया, ये बात बोलने के लिए कोई नहीं तैयार नहीं। आज कोई ये नहीं बोलता कि नासिर उसे बहुत अच्छा लीडर, ऐसा नहीं है, नासिर साहब बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है नासिर साहब, मगर वोट नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? जीतते क्या नासिर भाई, जीतते क्या? देखिए सोशल मीडिया में देखिए लोगों को, रमजान के मुबारक महीने में 3 घंटे रोजे की हालत में बैठ रहे हैं, वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे, क्या होगा? हम 60,000 वोट लिए, नासिर भाई 15,000 वोट लिए, बहुत से बहुत नासिर भाई 40,000 वोट लेंगे, मगर 70,000 वोट लेना है। भैया भैया मेरी माँ और बहनों सुनो, हिसाब किताब में बहुत कच्चे हैं, 60,000 में से अगर 25,000 निकाले तो कितने हुए? कितने हुए? 35 हुए। वो 25,000 15 में जोड़े तो कितने हुए? कितने हुए? 15 में 25 जोड़े तो 40 हुए। आज का हिसाब कितना है? मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं बोल रहा, कांग्रेस वाले बोल रहे, नासिर साहब बहुत से बहुत 40 ले गए, बोले तो तुम्हारे कितने हो गए? कितने हो गए? 35 हो गए, हमारे 40 हो गए। आज गुलबर्गा शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन 5 सालों में किसी ने मुकाबला किया है? कर्नाटक के अंदर किसी ने मुकाबला किया है तो एक ही आवाज, एक ही शख्स ने की है, कर्नाटक के अंदर हमारे खायल एच डी कुमार स्वामी साहब और गुलबर्गा के अंदर आपका भाई, आपका बेटा, आपका
हमदर्द, आपका नासिर हुसैन उस्ताद हर मामले में आगे बढ़ के आपके लिए लड़ा है, लड़ा है मैं लड़ा है। फिर माओ बहनों से पूछ रहा हूँ, लड़ा हूं नहीं लड़ा। आज झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, गारंटी कार्ड देने की बात की जा रही है, 2000 रुपए देने की बात जनता दल सेक्युलर वायदा करती है कि आपको गुलबर्गा के अंदर नहीं, कर्नाटक के अंदर जो भी जायज लोग हैं, जितने भी हो 60-65 साल से जायज जितनी उम्र है, उनको 2000 नहीं 5000 रुपए की गारंटी। कितने साल में हमारी माँ और बहनों को 5 गैस के सिलेंडर फ्री, कितने 5 गैस के सिलेंडर फ्री। मोदी बोले फ्री में दे तुम के दिए के मोदी साहब बातावे कुमार अन्ना की बातें सने किसानों के लोन माफ कर तुम बोले 1 साल के अंदर 14 महीने के अंदर 25,000 करोड़ रुपए माफ किए गए। आपको वायदा है कि आपके लिए सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। मैं आपको वायदा करता हूँ, कुमार अन्ना ने वायदा किया है आने के 7 दिन के अंदर आपके जितने पुराने जो लोग थे उन लोगों को माफ कर रहे, बोले तो डरने की जरूरत नहीं, आपको नए तरीके से 50,000 से 1,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा और पुराने लोन माफ किए जाएंगे। आपका भाई आपके बीच में वायदा करता है, मौका दीजिए आजमा के देखिए, मौका दीजिए आजमा के देखिए, एक बार मौका अगर मिलता है तो आपके लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माओ के लिए गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 खवातीन को घर बैठ कर काम कर कर उनको रोजगार दिलाने का काम आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद करेगा, आपके लिए लड़ेगा, आपको बेपरवाह बात करने की जरूरत नहीं रहेगी। आज मौका दीजिए, एक इलेक्शन है, झूठ 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 मेरे खिलाफ इतने झूठ निकल रहे हैं। कल परसों 2 दिन में ज्वाइनिंग हुई है, कहा है मौलाना नजीर ज्वाइनिंग हुई, कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई, कितने कितने लाख रुपए दिए गए, 5, 6, 7, 8। आज जो है कोई ज्वाइन नहीं हो रहा नासिर उस्ताद को छोड़कर, कोई जाने वाला नहीं है, मगर गोली बनाई जा रही है 3 लाख 4 लाख 8 लाख। सुनने में आया है एक नया सर्कुलेटर चल रहा है व्हाट्सएप में, मार्केट के थोड़े चार्जर वो भी बोल रहे हैं नासिर उस्ताद को जरा फंडिंग बीजेपी से हो रही है, चंदू पैसे दे रहा। अरे भाई पहले बेवकूफ हो वो चंदू पाटिल और डोरे मान कर पहले अपनी पार्टी की टिकट ले नासिर उस्ताद के पास। अगर पैसे फंडिंग फ्री की अगर आए रहती, अगर माले गनीमत आया रहता तो कसम से कांग्रेस मोहतरमा कनीज फातिमा तुम्हारे साथ वो जो 4 गुप्तेदार हैं जो काम को बेच रहे हैं, जो हमारी माँ और बहनों के स्कीम्स को लूट रहे हैं, बोले वो 4 लोग नाम बोलना है ना, इशारे से अस्तपी साहब बोल दिए। भाइयों ये इलेक्शन उन 4 गुप्तेदारों को रोजगार देने के लिए नहीं है, कसम से मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से इलेक्शन कीजिए। ये 4 गुप्तेदार ये कहीं पर भी अपनी रोजी रोटी बना सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, यकीन जानिए इन 4 गुप्तेदारों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मोहतरमा को जिताना है, मोहतरमा को जिताना। आज बोलते सीट बचाना है, सीट किसकी है, सीट किसकी है, मुसलमानों की है, सेक्युलरिज्म की है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कांग्रेस की है, किसकी सीट होना आपको, आपके लिए लड़ने वाली सीट होना, आपके लिए आवाज उठाने वाली होना, तो क्या मौजूद है सीट, अब मौजूद आपके लिए लड़ने वाली है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हिम्मत आपकी जरूरत आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं 10 तारीख को एक तारीख दर्ज होगी और इंशाल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर एक जय आपका एक भाई जीत के आएगा आपका। निशान क्या है हमारी बहन
एन ए का निशान क्या है, जेडीएस का निशान क्या है, भारा वोट लगेगा किस पे लगेगा, वोट लगेगा जम के लगेगा, वोट लगेगा जम के लगेगा। यह भारा मेहनत करने वाली औरत है, इसके तल पे भारा है, घर में बैठ के 10% कमीशन लेके चार रुपएदारों को पेल पाने वाले औरत को घर में बिठाओ, मेहनत करने वाली औरत को उस समय भारा है, उसको आगे आने वाले जीत के लाओ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।